अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू डीजा टॉक। बोर्ड ऑफ रेवेन्यू की जानिब से न्यू जॉब अनाउंस कर दी गई हैं। इसके अंदर लेडीज़ भी अप्लाई कर सकती हैं और जेंट्स भी अप्लाई कर सकते हैं। इस वीडियो के अंदर मैं आपको अप्लाई का पूरा प्रोसेस बताऊंगी और जितने भी इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं वो भी आपके साथ इसी वीडियो के अंदर वन बाई वन डिस्कस करूँगी। ये इनकी कुछ बेसिक इंस्ट्रक्शंस हैं आपके सामने, जो आप रीड कर लेंगे तो जॉब के मुतल्लिक डिटेल का इल्म आपको बहुत अच्छे से हो जाएगा। इनके कुछ इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स हैं वो भी आपके साथ मैं डिस्कस कर लेती हूँ। उससे पहले, ये वो वैकेंसी हैं जो बोर्ड ऑफ रेवेन्यू की जानिब से अनाउंस की गई हैं, जिसके ऊपर आपने अप्लाई करना है। GIS मैनेजर है, क्वालिटी एश्योरेंस एनालिस्ट है, GIS एनालिस्ट है, सॉफ्टवेयर है, कम्युनिटी इंजीनियरिंग एसोसिएट है, सॉफ्टवेयर डेवलपर है, ड्राइवर है, फाइनेंस एसोसिएट है, लैंड रोड स्पेशलिस्ट हैं। ये वो सीट्स हैं जो बोर्ड ऑफ रेवेन्यू की जानिब से अनाउंस की गई हैं। अगर आपकी तालीम और तजर्बा इसके मुताबिक है तो आप इसके अंदर अप्लाई कर सकते हैं। अब एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया देख लेते हैं, कौन कौन से लोग इसके अंदर अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपके पास मास्टर की डिग्री है तो आप इसके अंदर अप्लाई कर सकते हैं। आपके पास ग्रेजुएशन की डिग्री है, HECD को ऑर्गेनाइज बाय हायर एजुकेशन कमीशन, किसी भी अच्छे तस्दीकशुदा अदारे से आपने डिग्री कंप्लीट की है तो आप इसके अंदर अप्लाई कर सकते हैं। उम्र आप 21 साल से लेके 45 साल तक एलिजिबल हैं इस जॉब के अंदर। एक्सपीरियंस आपका 3 साल का होना चाहिए अपनी फील्ड के अंदर। पोस्टिंग आपकी जो है वो पंजाब के किसी भी शहर के अंदर की जाएगी। इस जॉब के अंदर डोमिसल आपके पास पंजाब का होना चाहिए, क्योंकि प्रोवेंस इसके अंदर पंजाब है तो डोमिसल भी इसके अंदर पंजाब का ही होगा। बोर्ड ऑफ रेवेन्यू की जितनी भी सीट्स अनाउंस की गई हैं, इस सब की पोस्टिंग पंजाब में ही होगी और सिर्फ पंजाब के लोग इसके ऊपर अप्लाई कर सकते हैं। अब इसके अंदर देख लेते हैं किस दिन ये जॉब अनाउंस की गई थी। 27 अप्रैल 2024, आज के दिन ये जॉब अनाउंस की गई थी और आज ही इसके ऊपर मैंने वीडियो बना दी है। मैं डेली बेसिस पर गवर्नमेंट सेक्टर और प्राइवेट सेक्टर की जॉब अनाउंस करती हूँ। हुकूमत पाकिस्तान, हुकूमत पंजाब की जानिब से जो आपको IT के फ्री कोर्सेज करवाए जाते हैं उसकी इंफॉर्मेशन भी मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। एहसास प्रोग्राम, 1 SMS पे आपको 25,000 रुपये दिए जाते हैं हर मंथ। इसकी वीडियो भी मेरे चैनल पर मौजूद है, जो आपको रोशन घराना स्कीम के तहत सोलर प्लेट्स फ्री दी जाएंगी, उसके मुतालिक भी मालूमात और डिटेल वीडियो मेरे चैनल डीजा टॉक पर मौजूद है। लास्ट डेट इसकी 12 मई 2024 है। अप्लाई का प्रोसेस इसके अंदर ऑनलाइन है। आप इस जॉब के लिए ऑनलाइन अप्लाई करेंगे, गूगल पर जाकर आपने सर्च करना है जॉब्स 11.pk, ये इनकी ऑफिशियल वेबसाइट है। यहाँ पर जाके आपने इस जॉब की जो रिव्यू है वो चेक कर लेने हैं, इस जॉब का वेन्यू चेक कर लेना है। उसके बाद ये नीचे हमारी एडवर्टाइजमेंट है, एडवर्टाइजमेंट के अंदर बहुत सारी चीज़ें क्लियर हो जाती हैं। GIS मैनेजर की इसके अंदर 8 सीटें हैं, क्वालिटी एश्योरेंस एनालिस्टिक की 4 हैं, GIR एनालिस्ट की 16 सीटें हैं, सॉफ्टवेयर की इसके अंदर 90 सीटें हैं, कम्युनिटी इंजीनियर एसोसिएट की इसके अंदर 10 सीटें हैं, सॉफ्टवेयर डेवलपर की इसके अंदर 2 सीटें हैं और ड्राइवर की इसके अंदर 3 सीटें हैं। और तमाम तर की जो पोस्टिंग है वो पंजाब के अंदर ही होगी, क्योंकि प्रोवेंस इसके अंदर जो है वो पंजाब का है। अब अप्लाई के जो प्रोसेस है आपके साथ वो डिस्कस कर लेते हैं। आपने जॉब के अंदर किस तरह अप्लाई करना है। इंटरेस्टेड कैंडिडेट में सबमिट ऑनलाइन अप्लीकेशन थ्रू देयर ऑफिशियल वेबसाइट ऑफ गवर्नमेंट ऑफ पंजाब बिलो द कम्प्लीट अप्लीकेशन प्रोसेस स्टेप बाई स्टेप आई विल गाइड यू। जो लोग इसके अंदर इंटरेस्टेड हैं और अप्लाई करना चाहते हैं वो इनकी ऑफिशियल वेबसाइट यहाँ पर मौजूद है, jobs.punjab.gov.pk। ये इनकी ऑफिशियल वेबसाइट है, यहाँ पर जाके आपने इसके इनको ऑनलाइन अप्लाई करना है। जब आप यहाँ पर जाएंगे तो आपको जॉब वाला पोर्शन नज़र आएगा, वहाँ पर जाके आपने इनको ऑनलाइन जो है वो अप्लाई करना है। अपना CNIC, अपनी डिग्री, अपनी पर्सनल इंफॉर्मेशन जो है वो तमाम तर चीज़ें जो है आपने इनको ऑनलाइन अप्लाई करनी है। आप इनको मेल भी कर सकते हैं, ये देखिए नीचे फर्दर इन्होंने यहाँ पर गाइड किया हुआ है। आप इनको ऑनलाइन अप्लाई भी कर सकते हैं, आप इनको थ्रू मेल भी अपनी जो है चीज़ें भेज सकते हैं। पब्लिक सेक्टर
आपने जो तलीम हासिल की है, आपकी जो CV है, ये तमाम तर चीज़ें जो है आप इनको ऑनलाइन अप्लाई भी कर सकते हैं और इनको मेल भी कर सकते हैं. एप्लीकेंट सबमिट थ्रू देयर मेल हार्ड कॉपीज शैल नॉट बी इंटरटेन. अगर आप इनको हार्ड कॉपीज़ के ज़रिए अप्लाई करेंगे तो वो उसको कंसीडर नहीं करेंगे. इट्स मीन अगर आप इनको अपने डॉक्यूमेंट्स कोरियर करेंगे तो वो उसको जो है अप्लाई के प्रोसेस में कंसीडर ही नहीं करेंगे, वो इन चीज़ों को डिस्कस ही नहीं करेंगे. आपने इसके लिए ऑनलाइन अप्लाई करना है, जो मैंने आपको इनके ऊपर ऑफिशियल वेबसाइट बताई है. अगर आप किसी गवर्नमेंट अदारे में हैं और अब आप यहाँ अप्लाई करना चाहते हैं तो आप अपनी प्रॉपर जगह से या इनके लिए अप्लाई कर सकते हैं. कैंडिडेट ब्रिंग मस्ट ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स एट द टाइम ऑफ द इंटरव्यू. जब आपका इंटरव्यू होगा तो आपने ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स लेकर जाने हैं. अभी तो आपने इनको ऑनलाइन अप्लाई करना है, लेकिन जब आपका इंटरव्यू होगा तो आपने अपने जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो साथ लेकर जाने हैं, ओरिजिनल वाले. नो टाडा विल बी पेड फॉर दिस जॉब. अगर आप इस जॉब के अंदर अप्लाई करने के लिए किसी दूसरे शहर से आ रहे हैं या किसी दूसरी जगह से आ रहे हैं तो कंपनी आपको ट्रैवलिंग के एक्सपेंसेस नहीं देगी, वो आपने खुद से खर्च करने हैं. ओनली शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट विल बी कॉल फॉर एन इंटरव्यू. जिन लोगों को वो शॉर्ट लिस्टेड करेंगे, जिन लोगों को वो अलहदा करेंगे तमाम तर लोगों से, सिर्फ वही लोगों को वो जॉब के लिए इंटरव्यू के लिए कॉल करेंगे. आपने इस चीज़ का ख्याल रखना है कि आपने ऑनलाइन अप्लाई करना है, हार्ड फॉर्म के अंदर अप्लाई नहीं करना. 12 मई 2024 से पहले आपने इस जॉब के अंदर अप्लाई करनी है. ओनली पंजाब कैंडिडेट विल बी इनवाइट. सिर्फ पंजाब के जो कैंडिडेट होंगे सिर्फ उन्हीं को इस जॉब के लिए बुलाया जाएगा. पंजाब की ये वैकेंसी है बोर्ड ऑफ रेवेन्यू. मेरा नाम डीजा है. मेरे चैनल पर मैं डेली बेसिस पर गवर्नमेंट सेक्टर और प्राइवेट सेक्टर की जॉब अनाउंस करती हूँ. आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें. थैंक यू फॉर वॉचिंग.